जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह किसी फूड स्ट्रीट की नहीं और ना ही किसी फूड फेस्टिवल की है, बल्कि यह सोलन शहर की तस्वीरें हैं, जहां हर मोड़ पर आपको खाने पीने के स्टॉल नजर आएंगे। और जब आप इस स्टॉल पर जाएंगे तो बड़े ही आदर के साथ आपके समक्ष लजीज व्यंजन और भोजन परोसे जाएंगे। और हैरानी वाली बात तो यह है कि खाना खाने के बाद आपसे कोई पैसे भी नहीं लिया जाता। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि सोलन में 3 दिन का राज्य स्तरीय मेला लगता है, जिसे शूलिनी मेला कहा जाता है। इन 3 दिनों में सोलन शहर के हर मोड़ पर भंडारे लगाए जाते हैं, जिसमें कढ़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूरी, छोले भटूरे, पूरी छोले, कचौड़ी, समोसा, पुड़े, खीर, कुलचे, छोले, आइसक्रीम, शेक्स और जो भी आप खाने की सोचते हैं वो यहाँ सब कुछ मिलता है। सोलन शहर में भंडारे का आयोजन कर रहे माँ शूलिनी के भक्तों ने बताया कि माँ शूलिनी की उन पर और सभी शहरवासियों पर असीम कृपा रहती है और माँ शूलिनी के आशीर्वाद से सोलन शहर फल फूल रहा है। ऐसे में जब माता अपने मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलती है तो शहरवासी उनके आगमन पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं। कई लोग जो सोलन छोड़ के जा चुके हैं वह भी विशेष तौर पर सोलन के भंडारे में आने लगते हैं और भंडारे लगाने के लिए भी यहाँ आते हैं। यही कारण है कि इन 3 दिनों में लाखों लोग सोलन पहुँचते हैं। हम जो है ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पर माता का भंडारा लगाते हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सुरली मेला जो है एक बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस 3 दिन का भंडारे यहाँ हमारे पूरे शहर में लगते हैं और मैं समझता हूँ कि 3 दिन के अंदर शायद लाखों लोग यहाँ पर, कोई भी ऐसे प्राणी नहीं होता जो कोई भूखा रहे। यहाँ पर नई नई चीज़ें बनती हैं हर और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। भंडारे जो है माता रानी की कृपा से इतने फेमस हो चुके हैं कि जो सोलन शहर से आज बाहर भी रह रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी थे पर कईयों के कारोबार आज की डेट में कहीं बाहर भी हैं, वो भी आके हर साल माता रानी के भंडारे करते हैं और 3-3 दिन तक करते हैं। यहाँ पे कोई कचौरी लगा रहा है, कोई आलू के साथ पूरी दे रहा है, छोले पूरी है, राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, पूड़े हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से गुलाब जामुन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी होगी यहाँ पे। इवन देन की कोई फ्रूट के हुए स्टॉल लगा रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, काजू वाला दूध भी है, मैंगो शेक भी दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और हमें सेवा का मौका मिलता है क्योंकि सारा साल जो है माता रानी ही हमारे को दे रही है और हम लोग कमा रहे हैं और ये 3 दिन हमें अवसर मिलता है कि भी माता रानी को हमें भी कुछ देना है। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.